मेरा इस प्रोजेक्ट का नाम है सिंपल ग्लिसरिन माइक्रोस्कोप। ग्लिसरिन माइक्रोस्कोप नाम दे क्योंकि ग्लिसरिन जो है यहाँ पर लेंस का वर्क करा है। मैंने ग्लिसरिन से एक लेंस बनाया है इस मशीन पे। देखिए मैंने यहाँ पर आयरन का एक राउंडिंग यूज़ किया है जिसके अंदर एक टीनी प्लेट है। टीनी प्लेट के मिडल पॉइंट पे 1 मिलीमीटर का होल है जहाँ पर हम लोग ग्लिसरिन ड्रॉप का यूज़ करेंगे। होल पे ग्लिसरिन ड्रॉप देने के बाद ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा शेप लेता है जो यहाँ पर लेंस का वर्क कर रहा है। और यह आईपीस के नीचे एक मैंने एक स्टेज यूज़ किया है। स्टेज के ऊपर यह नॉर्मल ग्लास पीस, स्टेज के नीचे कॉन्केव मिरर। और यह आयरन प्लेट, यह आयरन सिलेंडर, यह एडजस्टमेंट स्क्रू एडजस्ट करने के लिए। तो हम लोग यूजुअली स्कूल में जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उससे हम लोग यूजुअली ओनियन एंड पोटेटो सेल नहीं देख सकते। उसका कॉस्ट ज़्यादा है, मिनिमम 2000 रुपीज़ अबाव। तो उसके बदले में हम लोग लो कॉस्ट में एक सिंपल ग्लिसरिन माइक्रोस्कोप बनाकर स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल दे सकते हैं 6 से 10 तक, क्योंकि इस सिंपल ग्लिसरिन माइक्रोस्कोप से हम लोग ओनियन एंड पोटेटो सेल देख सकते हैं। और स्कूल में जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं उससे हम लोग यूजुअली ओनियन एंड पोटेटो सेल नहीं देख सकते। उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, मिनिमम 2000 रुपीज़। सो मेरा जो माइक्रोस्कोप इससे देख सकते हैं हम ओनियन एंड पोटेटो सेल। इसका एडवांटेज यही है, इसको ओनियन पोटेटो सेल देख सकते हैं एंड स्कूल में 6 से 10 तक बेसिकली प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं स्टूडेंट को। वो जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है उसके बदले में भी यूज़ किया जा सकता है स्कूल में इसका लो कॉस्ट में बनाकर। इसको हम लोग उठ से भी बना सकते हैं। उठ से बनाएंगे तो ऐसा होगा, उठ से बनाएंगे तो इसका कॉस्ट है मिनिमम ऑलमोस्ट 200 रुपीज़।